टाटा सफारी जो कि काफ़ी तगड़ा कंपटीटर है एक्स यू का इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बात बारे, बारे में बात करेंगे कि क्यों आपको ये कंसीडर करनी चाहिए एज कम्पेयर टू एक्स यू और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं जो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे वीडियो छोटी रहने वाली है लेकिन काफ़ी स्पेसिफिक होगी और पाँचे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ यहाँ पर मिल रही है और एक्स यू में आपको वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी और हाँ वीडियो में आगे जाने से पहले आप सब्सक्राइब कर लो और दिन आगे की डिटेल्स में आपको बताता हूँ तो डैश के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं अपीलिंग काफ़ी ज़्यादा लगता है जब से आई है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें इसमें सिमिलर है स्टेयरिंग व्हील का रिस्पांस इसमें काफ़ी अच्छा है और फीडबैक्स वगैरह भी आपको पहले से ऐसे मिलते थे हाँ कुछ चीज़ों की इम्प्लीमेंट हो गई है इसमें जैसे कि अडैस जो आपको सेवन में आता था बट अभी आपको इसमें भी मिल रहा है उसके अलावा जो इसकी इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले है उसमें इम्प्रूमेंट आ चुका है बहुत ज़्यादा काफ़ी स्मूथ रिस्पॉस है इंटरफेस भी चेंज हो चुका है 360 डिग्री व्यू का सपोर्ट आपको मिल जाएगा इसमें और जो क्लैरिटी वगैरह है और जो रिस्पॉन्स है 360 डिग्री कैमरा uh, का वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एक्सू वी क्लस्टर की डिस्प्ले भी काफ़ी चेंज हो चुकी है इसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉमेशन यहाँ देखने को मिल जाएगी और थोड़ी और ज़्यादा ब्राइट और साइज़ uh, में बड़ी हो गई है ये तो साथ में यहाँ पर सीट कम्फर्ट की भी अगर बात कर लें वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बट यहाँ पे अब को पैसेंजर साइड भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स आ जाती है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको एक्स्यू वी में नहीं मिलता वो आ जाती है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन फॉर को पैसेंजर एंड ड्राइवर उसके अलावा जो ड्राइवर साइड है उसमें आपको तीन मेमोरी सीट्स के फंक्शन दिए गए बिल्ट वाइज तो दोनों गाड़ियाँ आपको फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिल जाएंगी बट हाँ कहीं ना कहीं आपको सफारी का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगता है अगर हम दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड रखें और साइड से भी इसके जो आर्चेज़ हैं वो काफ़ी बड़े हैं जिसकी वजह से काफ़ी बल्कि लगती है देखने में यहाँ पर रियर सीटिंग की भी मैं बात कर लूँ ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है इसमें आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आमरेस्ट वगैरह टेन कप होल्डर्स वगैरह तो दिया ही जाता है लेकिन जो प्लस पॉइंट आपको इसमें मिलता है वो है इसका जो बेंच है ये भी स्लाइडेबल है रिक्लाइन एंगल तो हर एक गाड़ी में सेट कर सकते हो आप लेकिन जो बेंच है वो 700 में आप एडजस्ट नहीं कर सकते और इसमें आप एडजस्टेबल आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं बैठ के एक बार दिखा देता हूँ तो यहाँ पे लीवर को मैं पुल करूँगा और इस सीट को मैं पीछे एंड आगे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ इन केस जो मेरा ड्राइवर है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है सीट्स काफ़ी पीछे तक आ गई तो मेरे पास यहाँ भी ऑप्शन है कि, कि मैं अपनी जो मिडल सीट्स हैं इसको इसके जो बेंच को आगे पीछे कर लूँ ताकि मेरी नीज़ के लिए और लेग्स के लिए थोड़ा थोड़ी और ज़्यादा स्पेस हो जाए तो ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट है देन आप देख सकते हो यहाँ सीट फोल्ड करके रखी मैंने तो पीछे जाना भी काफ़ी ईजी है एंड पीछे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एम्यूनिटीज़ मिल जाती है इसमें तो सफारी इंप्रेसिव होने के साथ अब आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हुई है सफारी में ओवर द टाइम और यहाँ पे आपको इसका पूरा डे डैश का लुक दिख रहा है नीचे की साइड में कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मुझे लगता है इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशली ये वाले पार्ट को कि ये काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड आपको लगता है चार्जिंग पोर्ट तो आप लगा दोगे लेकिन अगर आप जो वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर दी गई है फ़ोन वगैरह रखते हो यहाँ पर तो फ़ोन को निकालना इस छोटी स्पेस से ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे इसका लगता है बाकी ड्राइविंग वाइज ड्राइविंग डायनेमिक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं इसमें आपको टू लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा 170 सेवेंटी की पावर 350 फिफ्टी मीटर ऑफ टॉक निकाल के देता है देन आपको ऊपर की साइड पे पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाता है वो ऑब्वियसली सेवन हंड्रेड में थोड़ा सा बड़ा लगता है बट हाँ इसमें भी कोई छोटा साइज़ का नहीं है काफ़ी बड़ा है और स्पेशली पीछे वाला बंदा तो ईज़िली यहाँ पे इंजॉय कर सकेगा स्पेशली अभी जो मानसून वगैरह का सीज़न चल रहा है तो रेनी सीजन में कहीं हिल स्टेशन में आप चले जाओगे तो कैट डेफिनेटली इन्जॉय करोगे उसके साथ मैं एक और चीज़ इंक्लूड करता हूँ यहाँ पर इसके जो सनरूफ के कंट्रोल्स हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिए गए हैं और हर एक चीज़ के लिए अलग से इसमें बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं ये ब्लाइंड्स के लिए है ये सिर्फ वेंटिलेशन के लिए है और ये पूरे सनरूफ को पीछे करने के लिए है तो यहाँ पे मैं अभी थर्ड रो में आ गया हूँ थर्ड रो सीट का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है हर एक गाड़ी के लिए एक्स्यू सेवन हंड्रेड और इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है दोनों में आपको अंडर था सपोर्ट की कमी होने वाली है लेकिन हाँ यहाँ पे जो uh, नीज़ है वो टच नहीं होती फिर भी आपको जो थोड़ी बहुत स्पेस uh, है वहाँ यहाँ पे मिल ही जाती है देन आपको यहाँ पे ये वेंट्स भी मिल जाएंगे ए सी वेंट्स और पीछे जो इम्यूनिटीज़ है राइट हैंड साइड पर आपको ये ए की जो स्पीड है फ्लो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो कप होल्डर्स दिया गया दूसरी साइड पर आपको कप होल्डर के साथ साथ में ये चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं टाइप ए एंड टाइप सी के और नेट के दोनों जगह प्रोवाइड की गई है जे का साउंड सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड ओवरऑल एम्बियंस काफ़ी अच्छी है वाइट कलर की रीडिंग लाइट आपको मिल जाएगी और पीछे से ये कुछ आपको ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में मैं दिखा रहा हूँ तो ऐसा कुछ व्यू आपको मिलेगा और एक और चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा जो कलर कॉम्बिनेशनस है जो कलर ऑप्शन है इसकी अपोल्स्री का वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस के साथ मिल रहा है यहाँ पे ब्लैक टैन कलर और अगर आप रेड डार्क एडिशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंटीरियर्स में रेड कलर मिल जाएगा जबकि 700 में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वाइट कलर मिलता है जो कि मतलब क्रीमिश टाइप का कलर है उसको मेंटेन करना भी थोड़ा ज़्यादा टफ़ हो जाता है और वो काफ़ी जल्दी गंदा हो जाएगा इसके रेयर सीट्स का कम्फर्ट थोड़ा और बना रहे तो जेट एडिशन में आपको पता है टाटा सफारी ने इंट्रोड्यूस किया था ये वाला इसका हेड इसमें क्या होता है कि अगर आप सो रहे हो तो अब इसको इसके हेडरेस्ट को आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो आपके हेड को सपोर्ट मिल जाएगा जब भी आप सो रहे हो तो आपका हेड जो है वो ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं होगा तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस और डिफरेंसेस के बारे में जो मैंने एक्स वी और यहाँ पे टाटा सफारी के बारे में बताया है और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इसमें वेटिंग पीरियड भी इतना नहीं है जबकि आपको सेवन में कम से कम छः सात महीने या साल तक भी वेट करना पड़ सकता है आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैव ए गुड डे और ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखनी है शॉर्ट ड्यूरेशन में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं किस गाड़ी का कंपैरिजन या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने में इंटरेस्ट है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसके बारे में वीडियो बनाऊँ